Assalamualaikum and welcome to your favorite show Fusion Food. मैं हूँ आपकी शेफ महनूर मलिक और आज हम बना रहे हैं लेमन बटर सॉस के साथ जबरदस्ती उसकी फिश है और हम बना रहे हैं डायनामाइट प्रॉन्स. अच्छा आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, काफ़ी वायरल हुआ हुआ है, डायनामाइट प्रॉन्स विद बैंग बैंग सॉस. सो मैं और यू नो इतना वो आजकल यू नो जैसे कि इन्फ्लेशन चल रही है तो वैसी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हुई हुई हैं, रेस्टोरेंट्स एक्सपेंसिव हुए हैं, वहाँ के खाने एक्सपेंसिव हुए हैं. सो जिस तरह के मैं फेवरेट हूँ ना प्रॉन्स की और डायनामाइट सॉस की और इन सब चीज़ों की, सो आई नो हाउ एक्सपेंसिव इट गेट्स. मतलब कि टाइम के साथ साथ कितना एक्सपेंसिव होता जा रहा है रेस्टोरेंट्स में और हम लोग सिर्फ एपेटाइजर में ही खा रहे होते हैं, तो वाई नॉट क्या आप अपने घर पर बनाएं और इन्जॉय करें. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं लेमन बटर सॉस की जो फिश की जो वो है ना मैरिनेशन वो करके रखूँगी, ठीक है. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी इसकी रू बनाएंगे, सॉस बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, साथ में हम डायनामाइट प्रॉन्स बनाएंगे एंड फिर इन्जॉय करेंगे, ठीक है. चलें पहले हम लोग जल्दी से अपनी फ़िश को ज़रा मैरिनेट करके रख दें. फ़िश को ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना क्योंकि ये फ़िश फिले है. फ़िश फिले आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से फ्रेश करवा सकते हैं. अगर आप फ्रेश नहीं करवाने के उसमें फ्रोज़न में भी अवेलेबल होता है. मैं आप लोगों को एक चीज़ गाइड करूँ, हमेशा जब आप लोग प्रॉन्स लें या फ़िश लें, आई वुड रिकमेंड कि जब आप लोग इस तरह की फ्राइड चीज़ बना रहे होते हैं ना कोई इस तरह से, सो आप लोग फ्रोज़न लें इंस्टेड ऑफ़ फ्रेश, बिकॉज बहुत फ़र्क पड़ता है. फ्रेश में थोड़ा सा स्मेल होती है, जो फ्रोज़न होता है उसमें स्मेल निकल चुकी होती है. सो आई वुड प्रेफर कि इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा आप लोग फ्रोज़न की तरफ जाएं, दैट्स टोटली फाइन. ये जो बातें होती ना कि नहीं फ्रोज़न चीज़ नहीं खाओ, ये हो जाता है वो नहीं, कुछ चीज़ों में इट्स ये सब कुछ चलता है. जितना जैसा फॉर एग्जाम्पल स्टेक का मीट होता है, जितना एजड मीट होता है उतना अच्छा होता है, ठीक है. चलें अभी हम जल्दी से मैरिनेट कर देते. ये हमने लिया मछली का टुकड़ा, ठीक है. इस पर हम लगाएंगे गार्लिक तकरीबन 1 टीस्पून, साथ में हम लगाएंगे ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून एंड सॉल्ट भी तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है. अच्छी तरह इसको लगाकर दोनों तरफ से अब मैं इसको रख दूंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए. उसके बाद फिर हम इसका बाकी काम करेंगे, काम तमाम करेंगे. ये हमने ढक दी, अभी मैं पीछे रख रही हूँ, ठीक है. ये हो गया. अब चलते हैं हमारे प्रॉन्स की तरफ. प्रॉन्स आपने क्या करने हैं, ये देख सकते हैं आप प्रॉन्स में, ज़रा ग्लव पहन लूँ, ठीक है. ये देखें, ये आपने ये वाइट प्रॉन्स हैं, सही है. इनका ये विद शेल थे, इनका शेल एवरीथिंग मैंने उतार के साफ़ सुथरा कर किया है. आपको मैं सिखाऊंगी भी कि किस तरह से किया जाता है इनको साफ़ सुथरा क्लीन, कि इनके अंदर की वो निकाल दी आप लोगों ने, नर्व निकाल दिए. देखें इनकी निकली हुई है सबकी. ये मुझे बने मैं बनाए अच्छे वाले प्रॉन्स भी मिल गए थे. वैसे मैं एक आपको नर्व इसकी निकाल के दिखाती हूँ किस तरह से ये होता है. ये देखें इन सब की निकली हुई है, सिर्फ एक मैं आपको ज़रा करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों की भी थोड़ी सी ना वन सेकेंड, मैं ज़रा ग्लव चेंज कर लूँ. अच्छा जी, एक में करके दिखाती हूँ. उसके बाद ना इसको आपने कुछ भी नहीं करना, इसकी हम लोग बनाएंगे ज़बरदस्ती मैरिनेशन जो इसके ऊपर लगेगी और फिर ये फटाफट फ्राई हो जाएंगे, ठीक है. ये देखें आपने इसकी नस निकालनी है, आपने इसको यहाँ से खोलना है. आई होप नज़र आ रहा है, इसको ज़रा मैं साइड पे करती हूँ थोड़ी चीज़ें ताकि आपको एरिया क्लियर नज़र आए ना. ये देखिए ये आपने रखा हाथ, यहाँ से आपने इसको खोला, ठीक है. चाहे तो आप यूं करके भी कर सकते हैं ताकि आपको ना इसकी ईजीली निकल आए. ये देखें ये आपने इस तरह से करके इसका गन सारा निकाला, ठीक है जी. ये देखें ये छोटी सी होती है, ये इंटेस्टाइन टाइप होती है इसकी, इसको निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है जी. बिकॉज ये इसका बैड पार्ट है ना, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें. कुछ प्रॉन्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा होता है. सो आपको ये प्लीज़ ये देखा करें हमेशा, जब भी प्रॉन्स साफ़ कर रहे होते हैं देखा करें और साफ़ सही से हुए हुए हैं कि नहीं, ऐसे नहीं पका के खा लें. कुछ लोगों को नहीं पता होता ना कि प्रॉन्स में क्या क्या होता है, उसको साफ़ किस तरह से करना है.
सो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम आपको सिखा देते हैं छोटी छोटी चीज़ें. ठीक है जी, अब इसकी मैरिनेशन के लिए इसकी वो इसको फ्राई करेंगे. इससे पहले सबसे पहले हम अपनी सॉस रेडी, बैंग बैंग सॉस रेडी करते हैं. उसके बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं फ्राइंग करना और ग्रिलिंग करना. ठीक है, इसमें डलेगा म्योनीज. म्योनीज आपने तकरीबन डालना है, आप कर लें हाफ कप कर लें. ठीक है, ये है बैंग बैंग सॉस. सही है, अब इसके साथ हम लोग डालेंगे चिली सॉस 1/4 कप. फिर डलेगा सिराचा सॉस. इट्स गोना बी रियली वेरी हॉट एंड अमेजिंग. सिराचा सॉस, सिराचा सॉस नहीं है हॉट सॉस ले लें आप. हॉट सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस ले लें. हर चीज़ की सब्स्टिट्यूट होते हैं. साथ में डलेगा हनी. ठीक है, इसको ज़रा अच्छे से मिला. फिर इसको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे और हमारी सॉस है रेडी. इतनी ईजी एंड क्विक रेसिपीज़ है ना ये, लिटरली अगर आप अपने घर पे बनाना चाहें आप लोग यूँ बना सकते हैं. चले जी, जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ चलते हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं और फ्राइंग एंड ग्रिलिंग शुरू करते हैं. वेलकम बैक. अच्छा जी, हम लोग ना ज़रा जल्दी से अब करते हैं मैरिनेशन. ठीक है, ये देखिए हमारे प्रॉन्स हैं ज़बरदस्त से, हमने ये डाले. इसमें हम डालेंगे फिश सॉस. फिश सॉस नहीं है, आप नॉर्मल जो होती है ना सोया सॉस वो डाल सकते हैं. वैसे फिश सॉस मुश्किल नहीं, हर जगह से मिल जाती है. मतलब कि ऐसी चीज़ें मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ जो हर शहर में मिल रही है. इसमें आप डालेंगे एक अंडा. ठीक है, ये एक अंडा डाला हमने. अच्छा जी, अंडा डाल दिया. अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह मैरिनेट. अच्छा, इसकी आपने पूंछड़े नहीं, ये जो इसकी है ना टेल, ये टेल नहीं आपने उतारनी. इन टेल से ही पकड़ के आप अपने ज़बरदस्त से अपने जो प्रॉन्स है ना ये इन्जॉय करेंगे. ठीक है, बस अब इसको भी मैं रख रही हूँ. अब हम क्या करेंगे, फ़िश सॉस बनाएंगे और फ़िश का काम ख़त्म करेंगे. एंड में फिर हम लोग बाद में ना अपने डायनामाइट प्रॉन्स फ्राई करना शुरू करेंगे, क्योंकि सॉस उसकी बन गई है तो इतना हमें कुछ करना नहीं है उसमें. उसको सिर्फ उसका बैटर बनाना है, फ्राई करना है और सर्व करना. ठीक है, ये देखें हमारी फ़िश और प्रॉन्स लाइन अप हो गए. अब हम क्या करेंगे, अब हम फ़िश सॉस बनाएंगे, लेमन बटर सॉस. ठीक है, हमने ऑन किया. साथ में ना हम फ़िश भी हल्की हल्की ग्रिल करने के लिए रख ही देते हैं. ये चलिए इसको बाद में ग्रिल करते हैं. अच्छा जी, आपने ना घर पे क्या करना है, अब हमारे पास ग्रिलिंग के वो दूसरे अवन पैंस अवन तो होते नहीं हैं, तो ना हमारे पास घर में इस तरह के ग्रिलर होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका ग्रिल थोड़ा सा इस तरह करके चपकता है, वो आपको तंग करता है, तो आपने क्या करना है, पहले उसको किसी पैन में हल्का सा, हल्के से ब्रश्ड ऑयल वाले पैन पे ना आपने उसको हल्का सा सियर करना है. सियर क्या, हल्का सा उसको पकाना है, क्योंकि फिले जो होता है ना मैरिनेशन के बाद ये बिल्कुल ऐसे होगा कि आप डालेंगे सी फूड को ज़्यादा कुक नहीं करते, ओवर कुक करेंगे वो रबर बनता जाएगा, चाहे वो प्रॉन्स हो चाहे वो फिश. फिश ख़राब हो जाती है, प्रॉन्स रबर हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को ना बहुत डेलीगेटली आपको हैंडल करना होता है. ठीक है, अब मैं इसके नीचे भी चला रही हूँ ताकि हमारा जो ग्रिलिंग पैन है ना वो प्यारा सा गर्म हो जाए. हो जाओ, ये देखें ये हमारा अच्छा से गर्म हो जाएगा. मैं क्या करूँगी, इस एक पैन में मैं डालूंगी, हल्का सा उसको सियर करूँगी फिश को, उसके बाद मैं ग्रिल पे सिर्फ मार्क्स दूंगी ताकि वो उसका एक ग्रिलिंग इफेक्ट आए. ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहले अपनी सॉस बनाते हैं. सॉस में डलेगा बटर एंड मैदा. क्या बन जाएगी, रू. ठीक है, इसको कहते हैं रू, ROUX. बोला ऐसे जाता है, स्पेल बोला कैसे जाता है, स्पेल कैसे किया जाता है, रू. ठीक है, सबसे पहले हम रू बनाएंगे. फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेमन डालेंगे, फिश स्टॉक डालेंगे. फिश स्टॉक नहीं, चिकन पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, चिकन स्टॉक यूज़ कर सकते हैं एज यू लाइक. ज़रदा रंग ताकि येलो कलर आए, ज़बरदस्त सा फ़िश का जो है ना वो लेमन सॉस का कलर है. थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम काली मिर्च डालेंगे और हम क्या डालेंगे, गार्लिक. चलें शुरू करते हैं. सबसे पहले बटर डाल देते हैं. ठीक है, तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून बटर डाला. ठीक है जी, पैन इतना अच्छा ज़बरदस्त सा गर्म हो गया ना कि अच्छा, बटर बहुत जल्दी गर्म होता है और ना जलना शुरू होता है,
तो आपने प्लीज कोशिश करनी कि उसको जलाना नहीं, बर्न नहीं होने देना अपना बटर, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी फ्लावर, तो ये रू बन जाएगी इसकी, ठीक है। अच्छा, आपने ना बटर और उसकी आपने इस तरह से रखनी होती है, फॉर एग्जांपल 1 टेबलस्पून बटर है ना, उसमें आप 1 टीस्पून फ्लावर या 2 टीस्पून फ्लावर भी डालेंगे ना तो वो इट विल वर्क, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हमारे पैन सही, हमारे जो चूल्हे हैं ना ये अच्छे वाला काम करते हैं। तो ये देखें ऑलरेडी बड़ा प्यारा सा कलर इसका आ गया है। बहुत गाढ़ी नहीं करेंगे हम सॉस, हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल हल्का कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसके अंदर थोड़ा सा और मैदा डाल दिया, दैट्स इट, दिस इज़ मोर देन इनफ। ये देखिए ऑलरेडी इसने बड़ा प्यारा सा कलर दे दिया। अब मैं इसके अंदर स्टॉक डालूंगी, अच्छा मैंने गार्लिक नहीं डाला बिकॉज गार्लिक ऑलरेडी हमारी फिश पे भी है, ठीक है। अब इसमें हम फटाफट सॉस इसकी ना अच्छी सी सॉस बना लेंगे, ठीक है। ये हमारी लेमन बटर सॉस बन रही है, ये देखा आपने, मैंने हम लोगों ने मैदा जिस हिसाब से डालेंगे ना उसी हिसाब से हमारा जो ये है ना ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरह विस्क से कर लेंगे तो ये सॉस की फॉर्म में हो जाएगा। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, विस्क चाहिए भाई, विस्क किधर है हमारी, अच्छा चलें जब तक किसी से करके विस्क दे दें, ठीक है। आपने ना इसको करना है इस तरह से ताकि इसकी गिल्ट्स ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको अच्छी तरह एक विस्क दे दें, ठीक है। आप चाहें देखें जिससे इसके ऊपर ये सारा चिपका हुआ है ना, इसकी सॉस नीचे लग गई है, इसी में आप पानी डालें, ठीक है। इसी में हमने पानी डाला, नीचे से ज़रा हम इसको अच्छी तरह हटा देते हैं, ठीक हो गया। अब यही हम इसमें मिक्स कर देंगे, पहले ज़रा इसकी गिल्ट्स अच्छी तरह मैं निकाल लूँ। अब इसमें मैं क्या डालूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट, तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट, और तकरीबन 1 टीस्पून ही हम ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा स्प्रिंकल करके आपने ऐड करना है ताकि वो इक्वल बैलेंसली इसके अंदर आ जाए। आपने देखा कितनी ईजी सॉस थी, और ये फैंसी रेस्टोरेंट्स में इतना महंगा महंगा मिल रहा होता है, आई स्वेयर। चलें ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें मैं लेमन डाल रही हूँ, लेमन जूस। अब मैं इसको विस्क करती हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसके नीचे थोड़ा सा हल्का सा चूल्हा चला रही हूँ ताकि ना ये फटाफट हो जाए। देखिए लेमन जूस डाल दिया हमने, अच्छी तरह आपने गिल्ट्स इसकी निकालनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ काम होता है कि जब हमने इसकी गिल्ट्स निकालनी होती है तो आपने बस हिलाते रहना विस्क को, आपने अच्छी तरह वो करना है कि अच्छी सी गाढ़ी सी प्यारी सी सॉस बन जाए इसकी। चलिए जी, हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसके अंदर आपने क्या करना है, येलो कलर डालना है। ये देखिए दिस इज़ द राइट, आप जर्दा रंग बहुत ईजिली येलो वाला अवेलेबल होता है, ठीक है। आप वो डालेंगी डालेंगे और अच्छी तरह इसको, आप ज़्यादा कलर नहीं देना, इतना कलर बहुत है। चले हमारी सॉस रेडी है, मैं ग्रिलिंग पैन गरम करती हूँ, फ्राइंग पैन गरम करती हूँ, वापस आते हैं फिश ग्रिल करते हैं और डायनामाइट प्रॉन्स बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ग्रिलिंग पैन हमने गरम करने रख दिया था, इधर क्या वो धुएँ निकल रहे हैं, बट इसको भी हम बंद नहीं करेंगे। इसमें मैं सिर्फ क्या करूँगी, हल्का सा ऑयल इसके ऊपर ब्रश कर दूंगी, बटर नहीं करी बिकॉज वही होगा कि बटर काला हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बटर नहीं कर रही इस पर ब्रश, ठीक है। अभी ये हमने कर दिया, अब मैं क्या करती हूँ, बटर जो है ना हम डालते हैं इसमें, इसको ज़रा चला देते हैं। अब मैं फ़िश लाकर दोनों तरफ से हल्की हल्की इसमें फ्राई करूँगी और फिर इसको हम ग्रिलिंग पैन पे मार्क्स दे देंगे, ठीक है। बस उसके बाद हम इसके वेजिटेबल्स सौते करेंगे, अच्छी सी हमारी लेमन बटर सॉस
फिश विद लेमन बटर सॉस रेडी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम डायनामाइट प्रॉन्स शुरू करें। ये रही हमारी फिश। अच्छा, ये बहुत इजीली मिल जाती है हर जगह से। अगर आपको फ्रोजन नहीं लेनी है, आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं। आप वो जो ठेले खड़े होते हैं उन पर, उधर से भी मिल जाती है फिश। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता फिश का। ठीक है, अब ये फ्राई होगी हल्की सी दोनों तरफ से। फ्राई नहीं मतलब हल्की सी सियर होगी। फिर उसको हम मार्क देने के लिए हम ग्रिलिंग पैन पे लगा देंगे। ठीक है, अच्छा मैं सोच रही हूँ तब तक हम ग्रिलिंग पैन में ही ना क्या करते हैं, ये हम अपने जो बल्कि रहने देते हैं उस इसमें करेंगे बल्कि, दिस इज बेटर ऑप्शन। जब ये इधर शिफ्ट करेंगे ना इसी पैन में, मैं बटर डालूंगी, गार्लिक डालूंगी, वेजिटेबल्स डालकर उनको हल्का सा सोते कर लूंगी और फिर दैट्स इट, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, कॉलर्स प्लीज कॉल किया करें। आज क्यों किसी की कॉल नहीं आ रही, आज मंडे है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सब कॉल करेंगे, क्योंकि मुझे मेरे जो रेगुलर कॉलर्स हैं एटलीस्ट वो तो कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अपना मीट ज़्यादा टच ना किया करें जब आप लोग बना रहे होते हैं ना कुछ, तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा टच ना किया करें, एक तरफ से थोड़ा पकने दिया करें कि थोड़ा सा वो जुड़ जाए, कंबाइन हो जाए, फिर आप उसके साथ छेड़खानी करें। ठीक है, थोड़ी सी हल्की आंच कर लेते हैं, अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है ऑलरेडी। मैं चाह रही हूँ सारा कवर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा और करेंगे फिर मैं इस वाले पैन में इसको शिफ्ट करके, फिर हम इसको थोड़ा सा ग्रिल करेंगे और उसमें वेजिटेबल्स रेडी कर देंगे। ओके, देखिए फिले है ना, तो इट्स ऑलरेडी कुक लाइक अ लॉट। ठीक है, जरा अपनी सॉस चेक कर ले। बल्कि मैं सोच रही हूँ तब तक ना हम इसका डायनामाइट का बैटर साथ में बना लेते हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, ऑलरेडी क्योंकि ये बहुत कुक्ड है, ये देखिए आप देख रहे हैं कि तो खूबसूरत से ऑलरेडी एक तरफ कलर हमारा आ गया, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये असल में चिपक जाता है ना सारा, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें नहीं करूँ। अब ज़रा हम अपने वेजिटेबल सौते कर लेते हैं। बटर डाला, गार्लिक ऑलरेडी बहुत सारी डली हुई है, थोड़ी सी और गार्लिक डाल देते हैं, दैट्स इट। इसको मैंने हिलाया अच्छी तरह। चले, वी हैव अ कॉलर कोमल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मानो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक, अब मैं तो आपकी रोज कॉलर बन गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगता है आपकी आवाज सुनकर। आपको मैंने आपको मोरक्कन चिकन बोला था, अब आप वो ऐड कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी मोरक्कन। आपको इंशाल्लाह आने वाले जो महीना है ना उसमें मोरक्कन ही आप लोगों को सिखा रही हूँ मैं। और मैं जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, रमजान में आपको ये ना हेल्दी सी है ना ड्रिंक वगैरह हमें सिखाएं। ड्रिंक्स मैंने रखी हैं, ड्रिंक्स भी रखी हैं, चटनीज भी रखी हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी वैरायटी मिल जाए ना, सारी चीजें रखी हैं। और है ना बच्चों को लेकर, जैसे मेरा बेबी छोटा है, उनके उनको लेकर मतलब उनके हिसाब से कोई रेसिपी वगैरह आप सिखाए ना बच्चों के हिसाब से। डन डन, आपका बेबी है हेल्दी सी चीजें। सही, डन डन डन, जरूर हम आपको सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे, सारी चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग कोमल। चले, ये हमने डाल दिए अपने वेजिटेबल्स, बातों में लग गए थे तो थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, बट एनीवेज ओप्स, ये देखिए ये हमने अच्छी तरह इनको सौते करेंगे। अच्छा, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, दिस इज ऑल गार्लिक एंड इट्स क्रिस्पी गार्लिक। सही है, सही, क्रिस्पी टेस्ट देगा, क्रिस्पी आपको फील देगा। थोड़ा सा हम इसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, इसी तरह थोड़ा सा हम इसके ऊपर ब्लैक पेपर से स्प्रिंकल करेंगे, हल्का सा, बिल्कुल सॉल्टी ज़्यादा, आई लाइक मोर सॉल्टी। ठीक है, और इसको हल्का सा हम सोते कर लेते हैं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना कलर इसका खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। और ना ये उसी तरह हल्का हल्का सोते ही प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा कुक्ड अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तंग कर रहा है ये।
बस अब इसकी हमारी लेमन बटर सॉस की जो है ना सिर्फ असेंबलिंग रह गई है. आपने देखा इसी में ऑयल था, इसी में सब कुछ था, इसी में मैंने थोड़ा सा बटर डाला, गार्लिक डाला, सारे वेजीज डाले. एंड ये देखिए कितने खूबसूरत जो है ना हमने अपने वेजिटेबल्स रेडी कर लिए हैं. आई लाइक वेजिटेबल विद माई स्टेक्स, विद माई फिश, अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा देते हैं. ठीक है, ये देखिए हल्का सा हम इसको और सौते करें. दैट्स इट, हमारी हमारी वेजिटेबल्स भी रेडी है, हमारी फिश भी रेडी है, हमारी सॉस भी रेडी है. अब हमारा रह गया है क्या, अब हमारे रह गए हैं प्रॉन्स. अब उसका बैटर बनाएंगे एंड उसकी फ्राइंग शुरू करेंगे. ठीक है, सर चूल्हा चला देते हैं ताकि गर्म हो जाए अच्छा सा. आपने देखा थोड़ा सा बटर डाला है, थोड़ा सा ऑयल और यूं हमारे खाने तैयार हुए. जब हम गर्म होने देते हैं, ऑयल जब तक हमारा गर्म होता है हम इसकी इसका बैटर बना लेते हैं. अच्छा, बैटर में क्या क्या डालेगा, चलिए इधर बनाते हैं आगे करके. थोड़ा बैटर में डालेगा मैदा तकरीबन 1 कप, ठीक है, कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 से 3 चम्मच, ठीक है, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून तकरीबन 1 से 2 चम्मच, छोटे चम्मच चाय के, चाय वाले जो चम्मच होते हैं ना, इसी तरह नमक भी इसी हिसाब से और वाइट पेपर. ठीक है, ये हमारी सारी हो गई, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं. इसको अच्छी तरह हमने किया मिक्स और अब इसको हम गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे, पतला नहीं करेंगे. ठीक है, ये मैं बिल्कुल सामने इसलिए रखा हुआ ताकि आपकी नज़रों के सामने हो रहा हो सारा. गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे, पानी आपने नॉर्मल यूज करना है रूम टेम्परेचर. ठीक है जी, इसकी मैंने आंच इसलिए तेज की हुई कि जल्दी जल्दी अच्छे से ना हमारा तेल गर्म हो जाए. चले चलते हैं ब्रेक पे, ऑयल गर्म हो जाए, बैटर रेडी हो जाए, मैं जरा अच्छे से मिक्स करके गाढ़ा सा बैटर बना लूं, फिर वापस आके फ्राइंग शुरू करते हैं. वेलकम. अच्छा, ये देखिए आपने ये कंसिस्टेंसी रखनी है अपने बैटर की. पानी ज़्यादा हो गया तो मैदा और कॉर्नफ्लावर आप और डाल सकते हैं. क्वांटिटी आप लोगों को पता है कि किस हिसाब से रखनी है. ठीक है, इसकी आंच ज़रा हल्की कर लेते हैं थोड़ी सी, और ये जो चीज़ है ना अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, लाइक दिस. अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे. ठीक है, अच्छा जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया. अब हम फ्राइंग शुरू करेंगे. पहले हम अपना ऑयल तो चेक कर लें पहले. सी, ज़बरदस्त सा गरम. अच्छा, आपने प्रॉन्स हमेशा कैसे डालने थे, अच्छा डालना होता है निकालना होता है. प्रॉन्स का जो है ना ये सीन होता है. अगर आप लोग को लग रहा है अभी भी कंसिस्टेंसी जो आप चाहते हैं वो वाली नहीं है, तो आप ना इसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं या मैदा और ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ये किया. डायनामाइट इज ऑलवेज लाइक, आप उसको थोड़ा सा रोल होने देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे डायनामाइट. ठीक है, यहाँ से पकड़ा, इसलिए देखा आपने मैंने इनकी कमर भी नहीं तोड़ी, वरना हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग बना रहे होते हैं ना टेम्पूरा वगैरह, तो उसमें जो होती है ना इनकी कमर टूटी होती है, मतलब एज इन सीधा करते हैं. मैंने आप लोगों को सिखाया ही नहीं है, सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं. देर इज़ नथिंग न्यू जो है ना मैं आप लोगों को भी आप लोगों के सामने जिक्र करी. ये देखें, दैट्स इट, दिस इज़ द कलर यू वॉन्ट, दिस इज़ द कलर. सही है, आपने फ्राई किया और आपने फटाफट निकाल लिया, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये रबड़ हो जाएंगे. आपने देखा कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, शक्ल कितनी खूबसूरत है. प्लीज़ आप लोग जाके मेरी टेम्पूरा की रेसिपी भी याद से देखिएगा. मैंने जो टेम्पूरा का तरीका सिखाया ना उसमें आप लोगों को कोई बने बनाए बैटर की ज़रूरत नहीं है, और बहुत फ्लफ़ी और ज़बरदस्त से टेम्पूरा बनते हैं उसके. ठीक है जी, ये देखें, बिकॉज़ मैं साथ साथ इसलिए निकाल रही हूँ वरना ये ना ओवर कुक हो जाएंगे. इनको आपको डालना होता है और निकालना होता है, वो वाला कहानी होती है. ये देखें, ये डाला, ठीक है जी, बस ये फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग असेंबलिंग शुरू करेंगे.
सी फूड लवर यू ऑल शुड ट्राई इट. ठीक है जी, मेरा हाथ पे ओहो क्या हरकत की है मैंने, इसको साइड पे रखते हैं और एक और ले ये वाला ले लेते हैं. चलो इट्स ओके. ठीक है, ये हमारे डायनामाइट प्रॉन्स रेडी हो रहे हैं ज़बरदस्त से. इसको भी निकाल लेते हैं, अभी पक गया. आप इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, आपके सामने मैंने सब कुछ किया. ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि आप बोले नहीं ये हम कैसे करेंगे, हमें तो नहीं आएगा, हमसे तो नहीं बनेगा. बस आपने नोट करने के जुड़ ना जाए, बाकी खैर है. ठीक है, थोड़ी सी आंच तेज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई है. देखिए अभी इस बैटर में और भी कितने सारे बन सकते हैं ना. ये हमने अपने डायनामाइट डाले, अब इसको मैं जल्दी से साइड पे कर देती हूँ बिकॉज इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस. अब आंच तेज करके 2 मिनट देखे हो गए, अब इसको जरा हिला देंगे ताकि जुड़े नहीं आपस में ना. ठीक है जी, जरा मैं क्लीनिंग भी कर लूँ साथ साथ. चलें जब तक ये फ्राई होते हैं ना, हम इसकी थोड़ी सी असेंबलिंग करते हैं, प्लेटिंग करते हैं अपनी इसकी लेमन बटर सॉस की और फिश की. ठीक है, हल्का हल्का सब चीज़ों को गर्म कर लेते हैं और फिर इसको करते हैं प्लेटिंग की तरफ को. फिर लेंगे एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे और चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे. डायनामाइट प्रॉन्स क्रिस्पी श्रिम्स के अज्जा, श्रिम 350 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 1.5 कप, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, सफेद मिर्च 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, वेजिटेबल ऑयल हसबे जरूरत, बैंग बैंग सॉस के अज्जा, मायनीज 1 कप, सराचा 1/2 कप, स्वीट चिली सॉस 1/2 कप, शहद 2 खाने के चमचे, गार्निश के लिए बारीक चॉप चाइव्स हसबे जरूरत, हरी प्याज हसबे जरूरत, सलाद पत्ते हसबे जरूरत. तरकीब, बाउल में सिराचा सॉस, मायोनीज, शहद और स्वीट चिली सॉस विस्क करें, बैंग बैंग सॉस यकजा कर लें. अलग बाउल में श्रिम, अंडा और फिश सॉस डालें. छोटे बाउल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, गार्लिक पाउडर और सफ़ेद मिर्च मिक्स करें. श्रिम को बैटर में कोट करें, फिर तेल में दोनों तरफ से पकाकर बड़े बाउल में निकालें और सॉस डाल दें. अब श्रिम को सलाद पत्ते पर रख कर गार्निश के साथ सर्व करें. फिश विद लेमन बटर सॉस, अज्जा, मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे, मैदा 3 चाय का चमचा, फिश स्टॉक 1 कप, नमक और काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 1 चाय का चमचा, सोया 1/4 कप, खाने का पीला रंग हसबे जरूरत, फिश फिले 500 ग्राम, कुटा लहसुन 1/4 कप, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी. तरकीब, फिश स्टॉक, नमक, काली मिर्च, लीमू का रस और खाने का पीला रंग मिलाकर सॉस बनाएं. फिश फिले को मैरिनेट करके ग्रिल करें और ऊपर लेमन सॉस डालकर गार्निश के साथ सर्व करें. वेलकम बैक. अच्छा जी, हमने कहा जल्दी जल्दी हम अपनी ज़रा ना इसकी सेटिंग कर देते हैं प्यारी सी. देखिए हमने साथ में सॉस रख दी, अब हम क्या करेंगे, ये हमने लिया सोया लीफ जो कि इजीली हर जगह से अवेलेबल होता है. ठीक है, हमने इसको यूँ रखा, इसके ऊपर हमने एक लेमन रखा और लास्ट टच जो हम देंगे ना वो हम क्या करते हैं, ये देखें, ये ब्रश से मैंने हल्का हल्का नीचे थोड़ा सा ब्रश किया था ताकि ना वो बुरा ना लगे. ठीक है, हल्की सी सॉस में लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं. ठीक है जी, हल्की सी इसके ऊपर इस तरह से करके हम लगा देते हैं. ठीक है, ये ताकि थोड़ी सी साइड से गिरेगी ना प्यारी लगेगी यूँ. ठीक हो गया, और ये हम इसके ऊपर ऐसे ही रहने देंगे.
चले अब जरा डायनामाइट प्रॉन का काम खत्म करें, थोड़ी सी हम उसकी डिपिंग सॉस निकाल लेते हैं, अगर आप चाहें तो अलग से निकाल ले, अदरवाइज आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डू दिस। ठीक हो गया, वैसे क्लीन कर लेते हैं साइड से और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं ग्लव पहन के। ठीक है, यू दे आर सो गुड एंड सो क्रिस्पी, आई एम जस्ट लविंग देम। ये देखें हमने इसको कवर किया अच्छी तरह, अब इसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं। बाकी हम ऊपर से भी यू नो यू कैन जस्ट डू द सॉसिंग, जो आपको आपको जो दिल में आता है आप उस तरह से करें, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मैंने नीचे आइसबर्ग बिछा दिए, अब बस मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी जस्ट लाइक दिस। आप अपना डायनामाइट उठाओ और एंजॉय करो। यू कैन स्टफ एज मैनी एज यू वॉन्ट। ये क्लीनिंग हम कर लेंगे टिश्यू से फिर। ठीक है जी, दैट्स इट, आई एम जस्ट गोना पुट दिस मच, बाकी हम बाद में करेंगे। लास्ट थोड़ी सी इसकी हम भी इसकी भी प्लेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सॉस इसके ऊपर डालेंगे। इस तरह आपने सॉस ली एंड इस तरह से आप इसको ड्रिजल कर दें, बिकॉज जितनी ज़्यादा डायनामाइट सॉस होगी ना, ट्रस्ट में उतने मज़े का लगेगा ये। ठीक है, थोड़ी सी हम डर्टी कर लेते हैं इसको और साथ में आप डिपिंग में भी रख कर दे सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है हमेशा। थोड़ा सा ऊपर हम लोग इसके सोया डाल देते हैं, सोया लीव्स, एंड दैट्स इट। आई होप यू लाइक माई रेसिपीज टूडे और इंशाल्लाह कल मिलेंगे। चले जी, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नए मज़े के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।